सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो सन 2019 में सेकंड सेमेस्टर के पेपर हुए उनका सॉल्यूशन करा रहे थे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी का जो है वो सॉल्यूशन देखा था। अगर वो नहीं देखा है आपने, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको अदर सब्जेक्ट के पेपर के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। आज देखेंगे हम अंग्रेजी का सप्तम प्रश्न पत्र बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो आर लैंग्वेज कैन बी क्वाइट थ्रू, यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर एक्सपोजर भी होगा, मोटिवेशन भी होता है, रिपीटेशन भी होता है, तो आप कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न 2 है हमारा, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। टू प्रोडक्टिव स्किल्स में एक हमारी स्पीकिंग होती है और एक हमारी जो है वो राइटिंग होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में जो है आपको दे रखा है, ऑप्शन 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 है, द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, आपको बताना है टीचिंग लैंग्वेज जो है उसका कौन सा जो है एम नहीं है। तो चारों ऑप्शन आप रीड करेंगे तो तीसरे ऑप्शन में लिखा है टू फॉरगेट द मदर टंग, मैंने आपको बताया था मातृभाषा मदर टंग को कहते हैं, और जो टारगेट लैंग्वेज होती है जो हम सीखना चाहते हैं उसको कहते हैं। तो जो टारगेट लैंग्वेज या कह सकते हैं जो सेकंड लैंग्वेज है, यदि आप उसको सीख रहे हैं या उसको सीखने का एम बना रखे हैं, तो उसको ना करने का या उसको करने के कारण कौन सा जो है इनमें से नहीं होगा, तो आप अपनी मातृभाषा को ही भूल जाएँ, यही जो है वो नहीं होगा, यानी ऑप्शन 3 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 देखते हैं, विच कंपोजिशंस प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग जो है यहाँ पर आपके दो ऑप्शन देखा जाए सही हो सकते हैं, एक राइटिंग कंपोजिशन, एक फ्री कंपोजिशन, परंतु दोनों में अगर तुलना करके कहा जाए तो फ्री कंपोजिशन आपका ज़्यादा जो है वो सही होगा। राइटिंग कंपोजिशन में हम सोच जरूर सकते हैं पर एक लिमिट में तय होकर हमें उसे लिखना होता है, परंतु फ्री कंपोजिशन जो है वो पूर्णता उसी पर आधारित होता है। तो हमारा अगर ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा परसेंटेज में देखा जाए तो चौथा ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। बाकी आपको क्या लगता है इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न 5 है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, तो टीचिंग पोएट्री का जो है हमारा एंजॉयमेंट भी हो जाता है, अप्रिसिएशन तो होता ही है, यानी जब दो ऑप्शन सही हैं तो ऑल ऑफ द अबव जो है अपने आप ही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, अगला हमारे जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। प्रश्न 6 हमारा कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, इसको जो है आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आप क्या चेंज करेंगे, ही वॉज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, ये जो है आपका चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम को। अगले की बात करें, अगला 7 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, जो हैवियर है इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, हैवियस्ट हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि लेड इज द हैवियस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो इस प्रकार जो है आप चेंज कर सकते हैं, लेट इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। अगला हमारा 8, देयर हैज़ नॉट बीन सफिशियंट रेन दिस ईयर, जो है इसमें आपको बताना है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है आपका इसमें सफिशियंट हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न 9, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है वो पॉलीग्लॉट कहा जाता है, पी ओ एल वाई जी एल ओ टी, टी ओ टी मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है पॉलीग्लॉट, पी ओ एल वाई जी एल ओ टी, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। अगला प्रश्न 10 है, आई विल सी यू 4:15 PM, यहाँ पर क्या लगेगा, तो ये जो है वो एट आपका आ जाएगा। और लास्ट हमारा अति लघु है, यू वर स्पीकिंग टू समवन, इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तो आप इसको चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा यू हैड, उसके बाद स्पीकिंग जो है इसकी थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी स्पोकन, और
उसके बाद हो जाएगा टू समवन। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा यू हैड स्पोकन टू समवन आपका सही हो जाएगा। तो टोटल मैंने यहाँ पर सभी जो है प्रश्न थे अति लघु बहुविकल्पी के सॉल्व करा दिए। 11 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और उसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको यह भी बता दूँ, हिंदी का जैसे पहले मैंने पेपर सॉल्व कराया था वहाँ पर जो संयुक्त अक्षर छा था उसको मैंने का हलंत वाला और जो है साथ में ये वाला सा बताया था, जबकि मोस्टली आपको जो है पेट चीरा वाला जो सा होता है ये देखने को मिलता है। तो आपका मोस्टली जो सही माना जाता है वो यही माना जाता है, वहाँ पर जो ये मैंने लिख दिया था वो ध्यान में रखिएगा, ये जो है हमारा गलत होता है। मैंने वो चीज़ कमेंट में सबसे ऊपर पिन कमेंट में वहाँ पर बता भी दी है, फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, यदि छा जो संयुक्त वर्ण है उसका आपको बताना है किससे किससे मिलकर बना है तो हलंत वाला का और जो है ये वाला जो है वो सा होता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।